खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अभी अभी ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता से मिलकर आया है हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू हैं। लल्लू जी, आप पीड़िता से मिलकर आए, कैसी तबीयत है, क्या हालत है? देखिए, हम लोग पीड़िता से नहीं, डॉक्टरों से मिले हैं और पीड़िता के परिजनों से, और पीड़िता से तो मिलने पर रोक है। चूंकि पीड़िता वेंटिलेटर पर है, हम इलाज की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा नहीं बनना चाहते। हम उनके सहयोग के लिए आए हैं, उनको ठीक ढंग से इलाज हो सके, पीड़ित परिजनों को न्याय मिल सके, हम इसके लिए यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। इलाज की स्थिति आपने देखी, समझी, सब ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि बेहतर नहीं, कहीं ना कहीं जो उच्च स्तरीय इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी पीड़िता और वकील साहब दोनों लोग वेंटिलेटर पर हैं और निश्चित बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। अजय जी, आप लोग एक मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। आज वो डिमांड पूरी हो गई आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, केवल उनको पार्टी से बर्खास्त कर देना ही हमारा मकसद नहीं, पीड़िता को न्याय मिले। और सिर्फ ये कार्रवाई बर्खास्तगी तक ही मात्र समाप्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल उनकी सदस्यता को भी निष्कासित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए सदन की सदस्यता से। जहां तक अगर देखें, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है, वह पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि पूरी घटना में इन्वॉल्व रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी उस दबंग व्यक्ति की स्थिति पर पहले से अगर ध्यान दी रहती, उस पीड़िता के साथ न्याय के लिए खड़ी रहती, तो आज ये हालात नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट ने इनके चरित्र को उजागर कर दिया। आखिर कौन सा ऐसा कारण था कि इतने दिन तक जांच लंबी थी? आखिर कौन सा ऐसा कारण था कि अब तक जो दंड की प्रक्रिया थी उसमें पूरी तरह सुनवाई नहीं हो पाई थी? अभी जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाई थी। कहीं ना कहीं सरकार पूरी घटना पर लिपापोती करना चाह रही थी, एक पर एक जो भी इसके जो भी गवाह थे, एक पर एक उनकी मौत हो रही है, संदिग्ध स्थितियों में मौत हो रही है। कौन सा ऐसा कारण है? तो सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था। और आज जब सुप्रीम कोर्ट को तो मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि कम से कम न्याय की प्रक्रिया में देश को उम्मीद जगी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अजय कुमार लल्लू थे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकार को इस मामले में बहुत पहले जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, वरना ऐसी नौबत नहीं आती। कैमरामैन वरुण के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।